हुसैन है, मैं ग्राम मिर्जापुर रंजीत का रहने वाला हूँ, तहसील बहेड़ी। मेरी शादी जो है रिछौला में हुई थी, रिछौला चौधरी, तहसील नवाबगंज। मेरी शादी को लगभग 11 महीने होने जा रहे हैं। एक बार गर्भ मेरी बीवी गिरा चुकी है, अब 6 महीने का गर्भ है, उसको भी गिराना चाह रही है और मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग दहेज प्रथा की रिपोर्ट मेरे ऊपर लगवाना चाह रहे हैं, मुझे जास्ती में फंसाया जा रहा है, मेरे घर वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। कितने सालों की शादी हुई? शादी को लगभग 11 महीने हुए हैं। कहाँ से करी शादी? ग्राम रिछौला। तो आपने शिकायत करी थाने में? जी, आज हमने तहरीर दी है सब में और पुलिस हमारे घर पर बहुत दबिश डाल रही है, उन लोगों ने दहेज प्रथा की रिपोर्ट हमारे ऊपर लिखवाना चालू कर दी है। SSP साहब से जब हम मिले थे, उन्होंने कहा था कि आपके हित में जरूर कार्रवाई होगी और आपको जरूर न्याय मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी पत्नी जिस तरीके से गई है, हमें अपने भाइयों के साथ आई थी और दो चार गुंडों के साथ उसके भाई आए थे और यहाँ पर दंगा करा था मिर्जापुर में और चले गई थी। क्या क्या नाम है उनके? उनका नाम है, एक का नाम है आसिफ, बल्दियत शरीफ अहमद, कदीर अहमद, रईस अहमद, बल्दियत इस्माइल, ये आए थे और उनके साथ एक गुंडा था जिसका नाम था बली खां, जो मेवाती है जात का और पचपेड़े का रहने वाला। तो ये लोग मतलब परेशान करा आपको? बहुत परेशान करा था, हमें मारधार करी थी हमारे घर में और फिर उल्टा इन्होंने 100 नंबर बुला लिया और मेरी बीवी को लेकर चले गए और मेरे ऊपर दहेज प्रथा की रिपोर्ट लगवा दी और मेरे बाप सीधे साधे पीछे खड़े हैं और सबको परेशान कर रखा है उन्होंने, पुलिस वालों ने। चलो ठीक है। हाँ, कहाँ से आए हो? ग्राम मिर्जापुर जी से, तहसील लेड़ी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमने शादी की थी अक्टूबर में, पिछले 17-20 में। हमारी पत्नी जो है 6 महीने का गर्भ गिराना चाहती है और डिवोर्स मांगना चाह रही है। उसके घर वाले लड़क उड़ के आए और 100 नंबर के साथ उसको बुला के ले गए।